चलिए गाइस, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के 6 सब पार्ट पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और आपको ये क्वेश्चन पसंद भी आएगा, सिंपल सा ही है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को हमें प्रूव करना है सेक ए प्लस टैन ए के बराबर। तो बेटा अब इसमें क्या कर सकते हैं, चलिए पहले तो हम लोग एल एच एस लिख लेते हैं। हमारा एल एच एस क्या है? अब बेटा अगर आपको याद हो, 9th स्टैंडर्ड में हमने रैशनलाइजेशन सीखा था, उसमें हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, तो हमारा जो डिनोमिनेटर का इरेशनल नंबर होता था वो रैशनल बन जाता था। बेटा इसमें भी हम लोग ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, बस इसे मैं रैशनलाइजेशन नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर को जैसा इरेशनल को मैं रैशनल बना रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बस मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा आपको दिखेगा, और रादर हम लोग जब आगे ऐसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाले वीडियो में और करेंगे तब आपको फट से क्लिक हो जाएगा, सर ऐसा अंडर रूट दिख रहा है, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए अब हम लोग कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो सर देखिए ऊपर क्या है, 1 प्लस साइन है, डिनोमिनेटर क्या था, 1 माइनस साइन है। कॉन्जुगेट हम किसका लेते थे सर? सर हम कॉन्जुगेट लेते थे डिनोमिनेटर का, तो ये 1 माइनस साइन है, तो उससे कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन है, तो मैंने वो लेना शुरू किया, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी 1 प्लस साइन है से मल्टीप्लाई किया। अगर आप देखो तो आपका न्यूमरेटर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए आ रहा है, जो कि क्या बन जाएगा मेरा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो बन गया सर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और सर डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये पूरे का मेरा अंडर रूट तो है ही सर। अब क्या बेटा, आप डिनोमिनेटर को देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अगर आपको याद हो तो हम लोगों का साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है होता है 1। अगर मैं साइन स्क्वायर को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दूं तो मेरा कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ आया चीज़ आप लोगों को? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये जो है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे ट्रांसपोज अब कर सकता हूँ, तो बस अब मैं वही कर रहा हूँ। तो सर अब देखिए, मेरा ऊपर तो एक बार के लिए मैंने वैसे ही छोड़ दिया है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया है कॉस ए का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझा क्या हुआ है? अब आगे बेटा, अब आप लोगों को अगर ये प्रॉपर्टी याद हो हमारे एक्सपोनेंट्स की, सर अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी, मैं आप अंडर रूट न्यूमरेटर को अपना दे दूँ, डिनोमिनेटर को अपना दे दूँ, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं ऊपर लगाने वाला हूँ, अभी ऊपर आते हैं ये यहाँ पे, तब ये क्या हो गया सर, अपना अपना अपने अपने को दे दिया मैंने 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए के होल स्क्वायर का भी अंडर रूट। सर अपना अपना अपने अपने को देने के कारण अब मेरा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और उसी का अंडर रूट बन रहा है मेरा कितना, 1 प्लस साइन ए। वैसे डिनोमिनेटर में कॉस ए का होल स्क्वायर का अंडर रूट कितना बन गया, कॉस ए। अब बेटा यहाँ से आगे बढ़ने के आपके पास दो तरीके हैं, आप दोनों तरीके देख लीजिए, आपको जो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि सर यहाँ से ही मैं आर एच एस पे पहुँचूँ, और दूसरा तरीका है सर यहाँ से मुझे समझ में नहीं आ रहा है आर एच एस पे कैसे पहुँचूँ, तो आर एच एस को मैं अब एल एच एस पे पहुँचाना शुरू करूँ। तो मैं इसके नीचे आप लोगों को दो तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ कि मैं यहीं से आर एच एस पे पहुँच रहा हूँ, तो ये मेरा मेथड वन हो रहा है यहाँ से आगे। बेटा मेथड वन और मेथड टू दोनों में आपको यहाँ तक के तो ये करना ही पड़ेगा। मेरे मेथड वन में क्या हो रहा है देखिए, वो था 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसमें मैंने कॉस ए अपना अपना दोनों को दे दिया, तो क्या बन गया, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। सर ये क्या किया आपने बेटा, ये याद है कि आप लोगों को कुछ आपका ऐसा आता था ए बाय बी प्लस सी बाय बी, अगर ऐसा कुछ आता था तो आप बोलते थे b तो कॉमन डिनोमिनेटर है तो एक ही बार लिख लो, तो इसे ऊपर a प्लस सी कर लेंगे हम लोग। बेटा इसी को मैं उल्टा कर रहा हूँ कि मेरा कॉमन डिनोमिनेटर है तो मैं दोनों को अपना अपना दे रहा हूँ। तो सर इसका मतलब क्या हो गया, आपने cos a दोनों को दे दिया तो 1 बाय cos a प्लस साइन a बाय cos a हो गया, और 1 बाय cos a होता क्या है हमारा, sec a के बराबर होता है। सर 1 बाय cos a को आपने लिख दिया sec a, और सर साइन a बाय cos a को क्या लिख सकता हूँ मैं, सिंपल सा tan a। बेटा अगर आप देखो तो यही आपका आर एच एस है। सर देखिए आपका आर एच एस क्या था, सेक ए प्लस टैन ए ही था आपका आर एच एस, आपने देखिए वो प्रूफ कर लिया।
हमने क्या किया था इसमें बेटा, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हमने एक वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपन वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिया, वन माइनस साइन स्क्वायर ए जो कि हमारा कॉस स्क्वायर ए या कॉस ए का होल स्क्वायर बन रहा था, फिर हमने अंडर रूट दोनों को दे दिया और क्या किया, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर मैंने मेथड नंबर वन से किया जिसमें मैंने सिंपली कॉस ए दोनों को दे दिया, वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू सेके प्लस टैन ए आ गया मेरा। बेटा अगर आपको ये तरीका समझा है तो बहुत बढ़िया, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझती है सर ये इससे आगे मैं बहुत स्मार्टली नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिंपल अपना ब्रह्मास्त्र यूज़ करना चाहता हूँ, तो ठीक है अपन लोग मेथड टू की बात कर लेते हैं। आपका मेथड टू क्या बोलता है, ये यहां तक के ऊपर जो वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए है वहां तक के तो आपको आना ही पड़ेगा। अब उसके बाद में सिंपली आप आर एच एस स्टार्ट कीजिए, आर एच एस क्या है मेरा सर, सेक ए प्लस टैन ए। सर सेक ए की वैल्यू क्या है मेरी, सर सेक ए की वैल्यू है मेरी वन बाय कॉस ए, और सर टैन ए की वैल्यू क्या है सर, सर वो जाती है साइन ए बाय कॉस ए। तो बेसिकली ये आर एच एस आपका क्या बन गया, कॉस ए, मैं कॉमन डिनोमिनेटर ले लूँ तो कॉस ए और ऊपर आ गया वन प्लस साइन ए। देखिए आपका एल एच एस भी आप वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए ला लिए थे, आर एच एस भी आपका क्या हो गया वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए, तो आप लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। सिंपल था बेटा ये वाला भी, किसी को कोई इशूज इस चीज़ में, क्या हुआ हमारा समझा आप लोगों को, हमने बेसिकली दो मेथड्स देखे, वैसे फर्स्ट मेथड ऑब्वियसली बेटर है नो डाउट, बट कई बार बच्चों को वो चीज क्लिक नहीं होगी या फिर ये क्वेश्चन में हो जाए दूसरे क्वेश्चन में ना हो, तो आप चाहे तो मेथड नंबर टू से भी कर सकते हैं कि वहां से हम लोग आर एच एस करना शुरू कर दे। हम लोग वन प्लस साइन ए बाई कॉस ए तक के पहुंचाए थे, सर एक बार बता दो कैसे पहुंचाए थे। बेटा हम लोगों ने सिंपल कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे, मतलब कभी आपके साथ अंडर रूट वगैरह देखे तो सोचना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलने वाला है आपको। हमने जब किया उसके बाद में हमारा होल स्क्वायर ऊपर बना, नीचे वन माई साइन स्क्वायर ए बना जो कॉस स्क्वायर ए हो गया, फिर मैंने अंडर रूट अपना अपना दे दिया, अंडर रूट और स्क्वायर को काट दिया तो वन प्लस साइन अपन कॉस ए बना। मेथड नंबर वन में मैंने डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग टर्म्स को दे दिया न्यूमरेटर के, तो मेरा उससे हो गया वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए जो कि बन गया सेक ए प्लस टैन ए। मेथड टू में मैंने दूसरा तरीका किया जहां पे मुझे ये थी समझ में या क्लिक नहीं हुई थी कि सर कॉस ए दोनों को दे दूंगा तो फायदा होगा, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ आर एच एस को साइन कॉस यानी अपने ब्रह्मास्त्र को यूज कर लिया, साइन ए सेक ए क्या हो गया मेरा वन बाय कॉस ए और टैन ए क्या हो गया साइन ए बाय कॉस ए। फिर मैंने मेरा डिनोमिनेटर कॉमन था तो उससे मैंने एलसीएम लेके वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए कर दिया। तो गाइज आप लोग ये पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे अभी, बेटा ये मैं आपको पॉज करने के लिए दूंगा, इस पर मैं रुकने नहीं वाला हूँ जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था, तो अब आप इसके बाद में इसे पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। बेटा प्लीज़ इसे खुद से ही सॉल्व कीजिएगा और जिनका ये हो जाएगा वो लोग इसका सेवेंथ सब पार्ट अटेम्प्ट एक बार कर लीजिएगा हमारा आंसर देखने के पहले। चलिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सब पार्ट पे जो कि है सेवन सब पार्ट। अब बेटा ये भी बहुत ही बढ़िया सा है क्वेश्चन, सिंपल है, आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें दिख के समझ में भी आ रही होगी बट ये क्वेश्चन में आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने वाले हो सर क्या। चलिए पहले तो हम लोग एल एच एस से शुरू करते हैं, सर हमारा एल एच एस क्या बोल रहा है, सर एल एच एस बोल रहा है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको पता है इसको किसके बराबर लाना है हमें, टैन थीटा के बराबर, तो ठीक है सर। सर ऊपर देखो साइन थीटा कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने, सर ब्रैकेट में क्या था वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बच गया मेरा। सर नीचे भी देखो हमारा कॉस थीटा कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल सही पकड़े आप तो, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब आगे क्या बेटा, वो देखो साइन थीटा अपॉन जो कॉस थीटा हो रहा है ये सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है सर, सर वो जाती है हमारी टैन थीटा के बराबर, बिल्कुल सही। तो ये हो गई सर हमारी सॉरी तो ये हो गई हमारी टैन थीटा, तो ये बचा कुचा क्या है मेरा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब बेटा अगर आप नोटिस करो तो आपको किसके बराबर प्रूफ करना था, ये एल एच एस को टैन थीटा के बराबर प्रूफ करना था। बेटा देखो अब आपके एल एच एस में ये टैन थीटा आना तो शुरू हो गया है, बट ये जो एक्स्ट्रा की चीज़ें जो आ रही है सर, मतलब इसकी वैल्यू वन होनी चाहिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट जाना चाहिए, तो काट दूंगा मैं डायरेक्टली। बेटा आपको इक्वल तो दिख नहीं रहा है, फिर आप कहाँ से काट रहे हो,
तो सर मुझे इक्वल दिखाना पड़ेगा। परफेक्ट सर, इक्वल कैसे दिखाऊंगा बेटा? उसके लिए कई तरीके, अब उसका भी मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं। पहले बेटा देखो, दो नहीं वैसे तीन तरीके, मैं आपको तीनों तरीके बता दूंगा, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिएगा। मुझे वैसे पहले दो मेथड जो मैं बताने वाला हूं वो दोनों ही पसंद है, तीसरा तरीका भी कोई गलत नहीं है, अब आपके ऊपर है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे सर हम लोग। पहले हम लोग फर्स्ट मेथड देख रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड में क्या होने वाला है बेटा, देखिए ये जो टैन थीटा इंटू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन जो है बेटा, आप लोगों को जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसको या तो साइन स्क्वायर के टर्म में लिखिए या तो कॉस स्क्वायर के टर्म में लिखिए। सर आपको किस टर्म में लिखना है वो आपके ऊपर है। मान लीजिए मैं पहले उसको पूरे के पूरे को साइन स्क्वायर के टर्म में लिखता हूँ। तो देखिए सर, मेरा साइन स्क्वायर के टर्म में लिखना था आप बोल रहे थे, तो ये तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा रह गया। अब बेटा मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जानता हूँ, लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, सर एक बार करके दिखा दो क्या बोल रहे हो। देखो याद है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता था, फिर मैं चाहता अगर तो इधर उधर करके मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ला सकता था। तो बेटा मैं वो ही बात कर रहा था अभी आपसे, सॉरी। कि आप ये जो यहाँ का कॉस स्क्वायर थीटा जो है आप उसे क्या लिख लीजिए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझा बेटा आपको ये चीज़? तो ये देखिए टू इन टू, तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा हमने, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सर माइनस वन तो मेरा वैसा का वैसा रह गया यहाँ बाहर। बेटा मैंने सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। सर टैन थीटा तो मुझे चाहिए, तो मैं प्रिजर्व करके चल रहा हूँ, ऊपर तो कुछ हो नहीं पाया, तो ठीक है कोई बात नहीं, टू साइन स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा है टू माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। सर देखिए टैन थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू माइनस वन कितना हुआ सर, वो तो वन ही हो गया, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये आ गए इक्वल, दोनों की दोनों मेरे कट भी गए सर, ये देखिए ये और ये कटा, तो मेरा आंसर कितना आ गया टैन थीटा, जो कि मेरे आर एच एस के बराबर था। देखो क्या हुआ है एक बार समझ लो आप लोग, पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपल सा हमने कॉमन निकाला है साइन थीटा को न्यूमरेटर से, टैन थीटा को डिनोमिनेटर से, जैसे अरे कॉस थीटा को डिनोमिनेटर से, जैसे साइन और कॉस हमने कॉमन निकाला तो साइन अपॉन कॉस हमारा टैन बनना शुरू हो गया था, जो कि हमारे आरएचएस के बराबर था। फिर जो बचा हुआ कचरा पट्टी था हमको ये कटवाना था, क्योंकि सर हमें टैन थीटा ही चाहिए, बचा हुआ तो मुझे चाहिए नहीं, तो हटाइए, तो उसे हटाने के लिए से मैं डायरेक्टली काट नहीं सकता था। तो मैंने क्या किया, उन दोनों को सेम फॉर्मेट में लाने की कोशिश की, तो मैं या तो थे साइन थीटा के टर्म्स में ला सकता था या कॉस थीटा के टर्म्स में, तो मैंने फर्स्ट टाइम में रखा सर आप इसको साइन थीटा के टर्म्स में ला लीजिए। ये देखिए सर मैं काई में ला जाता था इसे साइन थीटा के टर्म्स में, तो मैं डिनोमिनेटर का जो कॉस स्क्वायर थीटा था उसको मैंने क्या लिख दिया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ओपन किया तो मेरा न्यूमरेटर भी बन गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर भी बन गया वन वन माइनस साइन स्क्वायर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर भी बन गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। मेरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, मैंने उसे काट लिया, तो मेरा टैन थीटा ही बचा जो कि मेरे आरएचएस के बराबर था। अब देखिए अब मैं मेथड नंबर टू बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरा मेथड नंबर टू में भी मैं यही करने वाला हूँ, सिर्फ इस बार मैं सब चीज़ों को कॉस थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देखिए मेरा टैन थीटा तो वैसे ही रह गया है वन माइनस टू, सर साइन स्क्वायर थीटा को वैसे ही उस तरीके से वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता था, तो सर मैंने लिख दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर। सर नीचे तो मुझे पता ही था टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। सर ऊपर अब मैंने लगाया क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सर क्या वन माइनस टू प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा द होल अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब बेटा ऊपर देखिए वन माइनस टू कितना बन रहा है, माइनस वन बन रहा है, तो माइनस वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है वो। सर देखिए अब ये क्या बन रहा है मेरा, टैन थीटा माइनस वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा नीचे भी तो वही है रहेगा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखिए अगेन मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसका सेम हो गया है, तो मैं इसे भी चाहूँ तो ऐसा काट सकता हूँ, और मेरा फाइनल आंसर टैन थीटा बच रहा है जो कि मेरा आरएचएस है। एग्जैक्टली सेम किया जो हमने मेथड वन में किया था, सिर्फ मेथड टू में इस बार हम लोगों ने
साइन स्क्वायर की जगह पे हर चीज को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना शुरू किया। ये चीज समझे आपको? सर ये भी ठीक है, अब आप मेथड थ्री बता दीजिए। बेटा मेथड थ्री मुझे इतना पसंद नहीं है, बट कोई बात नहीं, अब ये भी अवेलेबल है मार्केट में तो मैं बता रहा हूँ आपको। बेटा वन को जो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी है, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, मैं वन की जगह लिख सकता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं न्यूमरेटर के वन को लिखा पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर वो जो आगे माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा था सर, वैसे डिनोमिनेटर में भी टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब बेटा वन को अगेन मैं लिख सकता था यहाँ वाले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये ध्यान से आप इसको ब्रैकेट में डालिएगा, ब्रैकेट में नहीं डालोगे अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को तो माइनस दोनों को नहीं मिल पाएगा। सर अब तो आसान है, सर अब क्या करना है हमको, अब सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर लग रही है ये लाइक टर्म्स वाले वो लगाते जाओ। सर देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा तो क्या माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो देखिए अंदर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल है। सर नीचे देखिए टू कॉस स्क्वायर थीटा, मैं कर लेता हूँ पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देता हूँ, पहले माइनस साइन से माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बच्चों को दिखना शुरू हो गया होगा कि सर उनका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। टैन थीटा ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सर नीचे क्या हो गया टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया बेटा, वो तो हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा ही, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर अब आप देखो आपस से हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बन गए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा ये भी कट सकता है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया सर, टैन थीटा आ गया, जो कि हमारा क्या है आरएचएस। देखिए हमारे तीनों मेथड से एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है और ये प्रूफ हो जा रहा है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि हम करें क्या थे, हमने ऊपर से साइन थीटा नीचे से कॉस थीटा कॉमन निकाला था, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा बन गया था, तो हमारा टैन थीटा जो कि हमारा आरएचएस है हम वहां तक पहुंच चुके थे, बस हमारे ब्रैकेट्स में बचा था वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन को मुझे हटाना था, तो मैंने उन दोनों ब्रैकेट्स को सेम करने के आपको तीन तरीके बताए थे। ये तीनों तरीके एक बार आप देख लीजिए, हमने पहले मेथड में सब चीज़ों को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लाया, सेकेंड मेथड में हमने हर चीज़ को कॉस स्क्वायर के टर्म्स में लाया, थर्ड में हमने वन की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में उसे कन्वर्ट कर दिया था, तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ बेटा, इन चीज़ों को करने से हमारा दोनों के दोनों ब्रैकेट्स सेम हो गई, तो हमने काट दिया तो हमारा आंसर आ गया था टैन थीटा के बराबर। जिनका ये आंसर का समझ गया है वो उसे पॉज करके फटाफट सॉल्व कर लीजिए, जिनको नहीं समझा है एक बार के लिए वो देख सकते हैं छोटा मोटा कि हमने क्या किया था, और फिर वो लोग आगे बढ़ सकते अपने सल्यूशन की तरफ। आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, जिनका ये वाला हो जाए वो लोग इसके बाद में एट्थ सब पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आप यहां पे पॉज कर लीजिए। अब गाइस हम लोग बढ़ रहे हैं एट सब पार्ट पे। बेटा अब ये सब पार्ट का नाम मैंने दिया है प्रियांशुस क्वेश्चन। मेरा एक स्टूडेंट था जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा था जिसका नाम था प्रियांशु, बेटा ये मेरा फर्स्ट स्टूडेंट्स में से एक है। इसके साथ ये हुआ था कि बच्चे का ट्रिग्नोमेट्री बड़ा वीक था, बट उसे ये वाला क्वेश्चन आता था, रादर मैं बोलूँ तो उसे यही बहुत कम क्वेश्चंस थे जो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के इसमें से आते थे, वो यही क्वेश्चन के भरोसे एग्जाम बैठा था स्कूल की, उसका जो सेट आया था लकीली उसमें भी यही क्वेश्चन आया था, अब बोर्ड्स में उसे एक सिंपल क्वेश्चन आ गया था जो उसे क्लिक हो गया था। तो बेटा ये क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, प्रियांशु क्वेश्चन है क्योंकि उसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था, तो कभी भी आपको दिखे सर ये देखो साइन है कोसेक है कॉस है सेक है टैन है कॉट है सर छो है और बीच में सेवन भी कुछ है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये प्रियांशु क्वेश्चन है। अब बेटा देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या सोचने में लगेगा, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा साइन कॉस में कन्वर्ट कर लू, नहीं बेटा इसको मैं थोड़ा स्मार्टर वे से आपको बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा ये प्रियांशु क्वेश्चन है, इसमें हम हर चीज में ब्रह्मास्त्र यूज नहीं करने वाले, राधर हम इसमें क्या करेंगे सर साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर जो है उसको हम ओपन कर देंगे। सर ये ध्यान रखिए ये क्वेश्चन का नाम मैंने क्या दिया है, प्रियांशुस क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा बेटा इस क्वेश्चन का नाम मैंने दिया है प्रियांशुस क्वेश्चन। ऐसे ही आप ट्रायंगल में देखते हैं क्वेश्चन का नाम हमने दिया है त्रिशूल, बेटा वो एक एक तरीका होता है जैसे आप वो क्लिक हो जाए अच्छा ये वो वाला हमारा क्वेश्चन था। तो बेटा पहले तो मैं एलएचएस लिखना शुरू करता हूं इसका, तो मेरा एलएचएस क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस
कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। सर अब मैं इसमें क्या करूंगा, कुछ भी नहीं बेटा, जो पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है उसमें आप आइडेंटिटी लगा लीजिए, फिर दूसरे इसमें भी जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको उसमें भी आप आइडेंटिटी लगा लीजिए। तो सर ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। सर नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में लगाना शुरू करूं तो वो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। सर अब देखिए मुझे वो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए आसपास में लाके वन कर सकता हूं मैं, ठीक है सर ये वो कर लेते हैं। तो मैंने ये साइन स्क्वायर ए तो यहीं रहने दिया, ये जो कॉस स्क्वायर ए था मेरा उसको उठा के इसके बाजू में लिखना शुरू कर दिया प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब सर अगर आप देखो आपका साइन ए इंटू कोसेक ए आजू बाजू में आ रहा है, वो आमने सामने वाले हैं तो रेसिप्रोकल होते थे, तो सर हमें तो ये याद था। सर क्या याद था हमें, सर याद है साइन ए इंटू कोसेक ए मेरा बन जाएगा वन सर, क्योंकि ये होता है रेसिप्रोकल। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कोसेक ए को लिख दो वन बाय साइन ए, फिर साइन ए अपॉन साइन ए को काट देना। सर वैसे ही देखो वहां पे भी कॉस ए इंटू सेक ए वन होने वाला है। सर कैसे बेटा, कॉस और सेक भी तो आमने सामने आते थे तो रेसिप्रोकल होते थे, तो वही यहाँ पे कॉस ए इंटू सेक ए भी हो जाएगा हमारा कितना वन। बहुत बढ़िया। तो सर देखिए पहले तो ये लिख दिया टू साइन ए इंटू कोसेक ए, मैं नेक्स्ट स्टेप में कर लूँगा उन चीज़ों को, और ये हो गया प्लस टू कॉस ए इंटू सेक ए। अब मेरा क्या बचा है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब बेटा ये देखिए अब आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी वन। अब बेटा इसके बाद में ये साइन ए इंटू कोसेक ए की वैल्यू कितनी होने वाली है मेरी अगेन वन। सर ये कॉस ए इंटू सेक ए की वैल्यू भी कितनी होने वाली है मेरी वन। समझा आप लोगों को, तो बेटा देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैंने वन लिख सकता हूं, प्लस टू साइन ए इंटू कोसेक ए को टू इंटू वन लिख सकता हूं, फिर प्लस टू कॉस ए इंटू सेक ए को अभी मैं टू इंटू वन लिख सकता हूं, तो मैंने वही लिखा था यहां पे, सॉरी। तो बेटा मैं इसको लिख रहा हूं, सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है मेरा बन चुका है वन प्लस टू इंटू वन प्लस टू इंटू वन। सर ये कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है का क्या करें बेटा, अगर आप देखो आपका आरएचएस क्या है, सेवन तो भूल जाइए, आरएचएस में आपको टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए जैसा कुछ दिख रहा है। सर इसका क्या करें बेटा, कोसेक स्क्वायर ए को आप कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट करना जानते थे। सर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। सर एक बार लिख के बता दो आप क्या बात कर रहे हो वाली, ये देखिए आप जानते थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो सर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सर ये कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख दूं मैं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिखा है मैंने वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सर वैसे ही मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकता हूँ वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो मैंने अब लिख दिया वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर ए की जगह पर मैंने लिखा है। तो अब देखिए मेरा क्या बन रहा है, बेसिकली वन प्लस टू प्लस टू प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा नहीं बेटा वो ए होना चाहिए था वहाँ पे, हम सॉरी बेटा, ये बहुत कॉमन गलती है बच्चे लोग थीटा बोलते बोलते थीटा लिख देते हैं हमेशा, तो ध्यान रखिएगा प्लीज़, ये गलती मुझसे भी है आप मत कीजिएगा। अगर अब आप देखो वन प्लस टू प्लस टू प्लस वन प्लस वन टोटल मिला के कितना हो रहा है सेवन, सर प्लस वो तो कॉट स्क्वायर ए ही था मेरा और ये मेरा टैन स्क्वायर ए ही है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, हम ये क्वेश्चन में क्या करते हैं देखिए, एक बार हम ये क्वेश्चन में पहले तो याद रखते हैं प्रियांशु क्वेश्चन, सर याद कैसे रखेंगे, जहां पे आपको दिख रहा है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब तो है ही, साथ ही साथ होल स्क्वायर जैसा भी और एक सेवन भी है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा प्रियांशु क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो पहला साइन ए प्लस कोसेक ए है उसके होल स्क्वायर में हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। आइडेंटिटी कौन सी लगाई हम लोगों ने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जितनी भी वो लगाई उसके बाद में वो ही चीज हम सेकंड ब्रैकेट में भी लगाया, वो लगाने के बाद मैंने साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को पास में लाया और वन बना दिया, फिर टू साइन ए इंटू कोसेक ए, सर साइन ए इंटू कोसेक ए होता है वन, तो हमने टू इंटू वन लिख दिया। वैसे ही
टू इंटू कॉस ए इंटू सेक ए भी कितना होता है हमारा, सेक ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू सेक ए होता है हमारा वन, तो टू इंटू कॉस ए इंटू सेक ए हो गया टू इंटू वन। सर फिर हम लोगों ने हमारा जो बचा था कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को काय में कन्वर्ट कर पाए हम, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर पाए। आपकी आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन, तो उससे माइनस कॉट स्क्वायर ए को उधर भेजा तो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेम चीज मैंने सेक स्क्वायर ए के लिए किया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए भी होता था वन, तो माइनस टैन स्क्वायर ए को अगर मैं राइट हैंड साइड में भेज दूँ तो सेक स्क्वायर ए कितना बन जाएगा मेरा वन प्लस टैन स्क्वायर ए। तो मैंने वही चीज किया। अब मेरा देखिए वन प्लस टू प्लस टू प्लस वन प्लस वन कितना हो गया सेवन, और वो बचा कुछ टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए को तो मैंने वैसे लिख दिया। तो ये मेरा करते करते कहाँ तक पहुँच गया मैं, ये पहुँच गया मैं आर एच एस तक। देखिए अब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया मेरा प्रूव है, क्वेश्चन भी सिंपल था बेटा। आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, आप चाहे तो एन सी आर टी में लिख सकते हैं प्रियांशुस क्वेश्चन अगर आपको लिखना हो, नहीं तो आप ऐसे भी अगर याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। आपको पता होना चाहिए इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें बिल्कुल भी साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करना है स्टार्टिंग में, और इसे सिर्फ सिंपली स्लोली स्लोली सॉल्व करते जाना है आपको। तो गाइज अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग टेंथ सब पार्ट, थर्ड सब पार्ट एग्जाम्पल में 15 और फिफ्थ सब पार्ट का देखने वाले हैं। तो गाइज आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।